प्रिय भैया, आज की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे इज पोएम फर्स्ट द फाउंटेन। द पोएट ऑफ दिस पोएम, द कंपोजर ऑफ दिस पोएम इज जेम्स रसेल लॉवेल। इस कविता में कवि ने फव्वारे के सौंदर्य, उसके गुण और उसकी विशेषताओं का वर्णन किया है। हम सभी लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से फव्वारे को देखे होंगे, लेकिन हमारे मन में इस तरह के भाव नहीं आते। यही एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण और एक रचनाकार, एक कवि और एक लेखक के दृष्टिकोण में अंतर होता है। तो आइए देखते हैं कि इस कविता में कवि ने फव्वारे के किन किन गुणों का, किस प्रकार से उसके सौंदर्य का वर्णन किया है। पोएम फर्स्ट द फाउंटेन, द कंपोजर ऑफ दिस पोएम जेम्स रसेल लॉवेल। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड प्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। सनशाइन मींस होता है सूर्य का प्रकाश, फुल ऑफ द लाइट माने प्रकाश की पूर्णता में, दिन के समय जब चारों ओर प्रकाशवान होता है, अर्थात प्रकाश की पूर्णता होती है, पूरा वातावरण प्रकाश से भरा होता है। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, कवि कहते हैं कि दिन के समय जब चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश होता है, उस समय लीपिंग एंड प्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, फव्वारा लीपिंग उछलता कूदता एंड प्लैशिंग और चमकता रहता है फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। फ्रॉम मींस होता है से, मॉर्न मींस होता है प्रातः काल, टिल मींस होता है तक, नाइट मींस होता है रात्रि। लीपिंग एंड प्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, फव्वारा प्रातः काल से रात्रि तक उछलता कूदता और चमकता रहता है। फिर से देखें, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड प्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। कवि कहते हैं कि फव्वारा दिन के समय जब वातावरण प्रकाश से परिपूर्ण होता है, जब चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होता है, तब फव्वारा प्रातः काल से रात्रि तक उछलता कूदता और चमकता रहता है। Into the moonlight, whiter than snow, waving so flower like when the winds blow. Moonlight means होता है चंद्रमा का प्रकाश, अर्थात चांदनी रात में। Whiter than snow, snow माने होता है बर्फ, wave माने होता है हिलना डुलना, flower means होता है फूल, light means होता है के समान, wind माने जब, winds माने हवा, blow means चलती है, अर्थात मंद गति से बहती है। तो इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, इनटू द मूनलाइट, कवि कहते हैं कि फव्वारा चंद्रमा के प्रकाश में, अर्थात चांदनी रात में, वाइटर देन स्नो, वाइटर मतलब की तुलना में भी सफेद, देन स्नो माने बर्फ से, बर्फ से भी सफेद दिखता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वे माने हिलता डुलता है, सो माने पूर्णतया, फ्लावर लाइक फूल के समान, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा मध्यम गति से चलती है। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, कवि कहते हैं कि रात्रि के समय चांदनी रात में जब चारों तरफ चंद्रमा का दूधिया प्रकाश पूरे वातावरण में विद्यमान होता है, उस समय जो फव्वारा है वाइटर देन स्नो, वह बर्फ से भी श्वेत अर्थात सफेद दिखता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब हवा मध्यम गति से धीमे धीमे चलती है, तो बिल्कुल फूलों के समान वह हिलता डुलता है। Into the starlight, rushing in spray, happy at midnight, happy by day. Into the starlight, पहला एस्पेक्ट है दिन का समय है, जब चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होता है,
दूसरा एस्पेक्ट है, जो दूसरा पहलू है, रात्रि का समय है, जब वातावरण चांदनी रात है, अर्थात पूरे वातावरण में चंद्रमा का दोधिया प्रकाश फैला हुआ है। द थर्ड एस्पेक्ट, जो तीसरा पहलू है, जो तीसरी परिस्थिति है, वो स्टार लाइट है, अर्थात जब प्रकाश की न्यूनता होती है, अर्थात अंधकार होता है, केवल तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं इनटू द स्टार लाइट। कभी कहते हैं कि तारों से भरी रात में, अर्थात जब रात्रि के समय केवल तारों ही विद्यमान होते हैं, तारों का प्रकाश होता है, तारे टिमटिमाते हैं, रसिंग इन स्प्रे, स्प्रे मींस होता है जो फव्वारे की फुहारे हैं, वे रस तेजी से दौड़ लगाती हैं, रसिंग इन स्प्रे, वो तेजी से जो फव्वारे की फुहारे हैं वो तेजी से दौड़ लगाती हैं, हैप्पी एट मिडनाइट, मध्य रात्रि के समय भी हैप्पी, प्रसन्न होती हैं, हैप्पी बाय डे, और दिन के समय भी प्रसन्न होती हैं। इनटू द स्टार लाइट, रसिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। कभी कहते हैं रात्रि के समय जब आकाश में केवल तारे टिमटिमा रहे होते हैं, उस समय भी जो फव्वारे की फुहारे हैं वो तेजी से दौड़ लगाती हैं, फव्वारा अर्धरात्रि के समय, मध्य रात्रि के समय भी प्रसन्न होता है और दिन के समय भी प्रसन्न होता है। यहां जो कविता में एक और भाव छिपा हुआ है, दिन और रात, तो दिन अर्थात अनुकूल परिस्थितियां और रात्रि अंधकार अर्थात विपरीत परिस्थितियां। यहां फव्वारे से कवि हमें यह शिक्षा देना चाहता है कि जब हमारे जीवन में अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, जब सब कुछ हमारे अनुकूल होता है, उस समय तो हम प्रसन्न होते हैं, अपने क्रियाकलाप को सुचारू रूप से चलाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही विषम परिस्थितियां आती हैं उस समय हम दुखी हो जाते हैं और हमारे जो क्रियाकलाप हैं वो उतने अच्छे ढंग से नहीं हो पाते। लेकिन फव्वारा चाहे दिन का समय हो, अनुकूल परिस्थितियां हो, तब भी वो प्रसन्न होता है, और रात्रि का समय हो अर्थात विपरीत परिस्थितियां हो, तब भी वह प्रसन्न होता है। इवन इन मोशन ब्रिथम एंड चेरी स्टिल क्लाइमिंग हेवन वर्ल्ड नेवर अवियरी। यहां कवि ने फव्वारे के एक बहुत ही महान गुण का वर्णन किया हुआ है। इवन इन मोशन, इवन मीन सदैव, इन मोशन माने गतिशील होना, कह रहा है फव्वारा सदैव गतिशील रहता है, ब्लिसम एंड चेरी, ब्लिसम आनंद से परिपूर्ण होता है, चेरी प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहता है, स्टिल क्लाइमिंग हेवनवर्ड, सदैव क्लाइम मतलब होता है अग्रसर होना, चढ़ना, हेवनवर्ड माने होता है ऊपर की ओर, स्टिल क्लाइमिंग हेवनवर्ड, सदैव ऊपर की ओर अग्रसर रहता है, नेवर अवेरी, और कभी भी अवेरी भी होता है थका हुआ, थकान, एंड नेवर अवेरी, और कभी भी थकता नहीं है। एवर इन मोशन ब्लिसम एंड चेरी स्टिल क्लाइमिंग हेवनवर्ड नेवर अवेरी। कवि फव्वारे के गुण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फव्वारा सदैव गतिशील रहता है, ब्लिसम एंड चेरी, वह आनंद से परिपूर्ण और प्रफुल्लित प्रसन्नचित रहता है, स्टिल क्लाइमिंग हेवनवर्ड नेवर अवेरी, और बिना थके अथक रूप से सदैव ऊपर की ओर अर्थात उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहता है। इसे देखें, इनटू द सनशाइन ग्लो ऑफ द लाइट लिविंग एंड प्लेसिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। कवि फव्वारे के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फव्वारा दिन के समय जब पूरे वातावरण में प्रकाश ही प्रकाश होता है, वह प्रातः काल से रात्रि तक उछलता कूदता और चमकता रहता है। इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो वेडिंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। कवि कहते हैं कि जब
रात्रि का समय होता है अर्थात चांदनी रात में जब पूरे वातावरण में चंद्रमा का प्रकाश विद्यमान होता है, उस समय जो फव्वारा है उसका जो सौंदर्य है वह बर्फ से भी श्वेत दिखाई पड़ता है। वेविंग सो फ्लावर लाइट व्हेन द विंड्स ब्लो, और जब मध्यम गति से हवा चलती है तो बिल्कुल फूलों के समान हिलता डुलता है। इनटू द स्टारलाइट रसी इज स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। कवि कहते हैं रात्रि के समय जब आकाश में केवल तारे टिमटिमा रहे होते हैं अर्थात चारों तरफ अंधकार छाया रहता है, अंधकार अर्थात निराशा का माहौल होता है, उस समय जो फवारे के फुहारे हैं, स्प्रे अर्थात जो फवारे के फुहारे हैं, रसी तेजी से फूर्ती से दौड़ लगाती रहती हैं, उन विषम परिस्थितियों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। कब कहते हैं कि फव्वारा मध्य रात्रि अर्धरात्रि के समय भी प्रसन्न होता है और दिन के समय भी प्रसन्न होता है। एवर इन मोशन विषम एंड चेरी स्टिल क्लाइमिंग हेवनवर्ड नेवर अवेरी। कब कहते हैं कि फव्वारा सदैव गतिशील रहता है, आनंद से परिपूर्ण रहता है और प्रसन्नचित रहता है। स्टिल क्लाइमिंग हेवनवर्ड नेवर अवेरी, और अथक रूप से बिना थके सदैव ऊपर की ओर अर्थात उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम, सो रिवाइज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ओन। थैंक यू।